अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी शहज़ीन। आई होप आप लोग बिल्कुल होंगे। और यहाँ आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं अपनी कबर्ड सेट कर रही हूँ। असल में मेरी कबर्ड में जो है, मैंने यहाँ पर एक ऐसा शेल्फ सा लगवाया था बीच में। यहाँ जो आप देख रहे हैं कबर्ड में, ये बिल्कुल सीधी ऐसी कबर्ड थी, इसके अंदर कोई बीच में पार्टीशन नहीं हुआ हुआ था। लेकिन उसमें जो है वो ठीक तरह से कपड़े नहीं आ पाते थे और बहुत कम जो है वो कपड़े आते थे, इसलिए जो है वो हमने बीच में ये लगवा लिया, ताकि अब जो इसमें ज़्यादा कपड़े या कोई भी चीज़ रखें तो ज़्यादा रख सकें। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर ये लगवा लिया, दूसरी साइड पर भी और यहाँ पर भी। अब इस तरह से ईज़िली जो कपड़े मैं अपने रख सकूँगी। अब यहाँ पर बस मैं अपने कपड़े जो है वो तय कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने कपड़े किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले शर्ट्स वगैरह तय कर रही हूँ, उस तरह बस करती जाऊँगी मैं तय। उसके बाद पहले मैं सारी चीज़ें इसको तय कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको एक साथ ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो यहाँ बस मैं कर रही हूँ ये, और रमज़ान भी आने वाले हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रमज़ान से पहले कर लिया जाए, क्योंकि रमज़ान में फिर इतना टाइम नहीं मिलता, सबका रोज़ा भी होता है और फिर बहुत सारे काम करने होते हैं। तो रमज़ान से पहले ही इस काम को मैंने कर लिया। और वैसे भी अगर कबर्ड कोई ख़राब हो, सेट ना हो, तो सुकून नहीं होता और बहुत बुरी भी लगती है, इसलिए मेरी कबर्ड जो है वो मैं कुछ टाइम से सेट करना चाह रही थी, लेकिन मुझे ये लगवाना था तो इस वजह से मैं वेट कर रही थी। अब ये लग गया था तो बस उसी दिन जो है मैंने सारा सेट कर लिया था। बस यहाँ पर जो जो मेरे हाथ में आ रहे हैं कपड़े, वो मैं साथ साथ तय करती जा रही हूँ, और फिर बाद में मैं इसको सही तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँगी कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है और कौन सी चीज़ कहाँ। बस मैं यहाँ पर ये तय कर रही हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे अपने कपड़े तय। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या काम रमज़ान के लिए कर लिए हैं और क्या क्या काम आप लोगों को करने हैं, तो सब कुछ शेयर करिएगा कमेंट में। और इसी तरह अब आप लोग भी जो काम रहते हैं वो कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने आधी कबर्ड अपनी सेट कर ली है, और उसके बाद मैं यहाँ पर फ्रूट चाट मैंने बनाई है और मैं वो खा रही हूँ। वैसे भी आजकल हमें अपनी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है तो फ्रूट तो बहुत ही ज़रूरी है। तो बस अगर आपके पास दो तीन फ्रूट भी तो हों, आप उसकी चाट बना लिया करें और ख़ुद भी खाया करें और अपने घर वालों को भी खिलाया करें। वैसी फ्रूट चाट बहुत मज़े की होती है और हम लोग तो ये यूजुअली बनाते रहते हैं। जब भी दो तीन फ्रूट्स हमारे घर में आए और हमने बस फ्रूट चाट बना ली, और इस फ्रूट चाट में मैंने क्रीम वगैरह भी ऐड करी थी, तो जो अवेलेबल हो आप उसके अंदर ऐड कर लें। जो आपके पास हो, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा क्रीम वाली खाएँ या बगैर क्रीम वाली खाएँ, आपके पास जो हो आप उसको ऐड कर लें। वैसी फ्रूट्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे कपड़े मैंने तय कर लिए हैं। कुछ कपड़े मैं कबर्ड में रख चुकी हूँ और कुछ यहाँ तय हुए हुए रखे हुए हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरह ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्या करा है कि जो कपड़े लेफ़्ट साइड पे तय हुए हुए हैं, ये सारी मेरी शर्ट्स हैं, और राइट साइड पर भी ये दो रखे हुए हैं, ये भी शर्ट्स ही हैं। अब मैं क्या करूँगी कि एक जगह मैं अपनी वो शर्ट्स कर लूँगी जो मैं रेगुलर यूज़ करूँगी, जैसे घर में मैं रेगुलर यूज़ करूँगी, और बाकी जो थोड़े मोटे होंगे या थोड़े जो मैं बाहर पहनूंगी वो मैं एक जगह कर लूँगी। इस तरह मैं अपनी सारी चीज़ें अलग अलग रख लेती हूँ। अब मैं इसको एक जगह कर रही हूँ, जो मेरे घर के कपड़े पहनने के लाइक मैं जो रेगुलर यूज़ करती हूँ वो कपड़े मैं एक जगह कर लूँगी, और बाकी जो थोड़े से बाहर भी पहन के जा सकती हूँ मैं, वो मैं अलग करके यहाँ पर रख दूँगी। इस तरह मैं सारे अपने कपड़े रख रही हूँ, और दुपट्टे मैं अपने अलग रख दूँगी, ट्राउज़र्स अलग रख दूँगी, सारी चीज़ें मैं अलग अलग रखती हूँ ताकि मुझे निकालने में मसला हो। अगर मैं दुपट्टा और ट्राउज़र और शर्ट, ये तीनों चीज़ें अगर मैं साथ इसको फोल्ड करके रखूँ ना, तो कबर्ड में ये सेट भी नहीं हो पाते और गिरते रहते हैं, इसलिए मैं इनको अलग अलग करके रखती हूँ हमेशा से। क्योंकि ट्राउज़र्स और दुपट्टा जो होते हैं वो एक दूसरे किसी और शर्ट के साथ जो है वो काम भी आ जाते हैं, तो मैं इनको अलग अलग करके रखती हूँ ताकि दूसरे के साथ मैच भी हो जाएँ कभी ज़रूरत पड़े तो। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं। अब मैंने यहाँ जो ट्राउज़र रखे हैं, दो मेरे जो हैं ट्राउज़र के बन गए हैं, और ये दोनों जो हैं वो शर्ट्स के बन गए हैं, और बल्कि दो नहीं, तीन ट्राउज़र्स के बन गए हैं, बल्कि दो ही, दो ट्राउज़र्स के बन गए हैं और दो शर्ट्स के। यहाँ जो है वो मेरे अपर्स वगैरह और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। ये ऊपर वाला पोर्शन है बस ट्राउज़र्स और अपर्स और शर्ट्स ही हैं, और नीचे वाला जो पोर्शन है इसमें मैंने दुपट्टे रखे हुए हैं। अब दुपट्टे भी बहुत ज़्यादा थे तो
इस तरह मैंने तीन उसमें रख दिए दुपट्टे, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर से गिर रहे थे। शेफोन के दुपट्टे होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर बहुत गिरते रहते हैं। और यहाँ मैंने अपनी चादरें रख दी हैं, जो शॉल्स वगैरह होती हैं वो रख दी हैं, और उसके बराबर में मैंने फैंसी दुपट्टास रख दिए। तो बस ये सारी मैंने सेट कर दी थी। बाकी टाइम लगा था इसमें बहुत, लग रहा होगा कि बिल्कुल टाइम नहीं लगा, लेकिन लगा था बहुत टाइम। मैं अपनी बुक्स वगैरह रख दूँगी, ये सामान हटा के मैं यहाँ पर अपनी बुक्स रखूँगी। असल में मैंने अपनी बुक्स के लिए ये सारा ऑर्गेनाइज़ करा है, ताकि मेरे जो पढ़ने की जो चीज़ें हैं सारी वो मैं नीचे रख दूँ और बाकी कपड़े जो हैं वो मेरे ऊपर हों। सो वीडियो पसंद आई हो अगर आप लोगों को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, और आगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दें। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करें कि कौन सा जो है वो आपको पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा है, कौन सा आपको पार्ट अच्छा नहीं लगा, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है, सब मेरे साथ शेयर करा करें। तो बस अपना ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज़।